तो आज मैं बहुत दिन बाद बनाने वाली हूँ चिकन। अभी ये तो मैंने चिकन अच्छे से देखो कितना वाइट वाइट वॉश करके रख लिया। मैंने कुछ डाला नहीं, सिर्फ इसको पानी से वॉश करके रखा है। मैं कुछ अपने तरीके से अलग बनाना चाहती हूँ। फिर इसमें मैंने लिया है चाट मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी और फूड कलर। अभी इन सबको इसमें डाल के हम मिक्स करके, अगर आप लोग को डालना है तो इसमें दही भी डाल सकते हो, अगर आप लोग को कुछ या क्या अदरक लहसुन डालना है तो भी डाल सकते हो। मैं ना भूल गई थी अदरक लहसुन, मैंने बाद में डाला, तो ये सब मसाले डाल दिए। तो इसको मैंने अच्छे से हाथ से मिक्स किया। नमक भी डालना है आपको इसमें, देखो मिक्स करने के बाद माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है इसको अभी जस्ट फ्राई करो तंदूरी की जैसा और खा लो एकदम लाल लाल, क्योंकि मैंने थोड़ा सा फूड कलर भी डाला ना रेड कलर का, इसके लिए इसका ऐसा कलर आया। और इस टाइम पे मैंने अदरक लहसुन डालना ही भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं आया। मैं जाके बैठी नमाज वगैरह पढ़ने के लिए, उसके बाद मुझे याद आया, फिर मैंने आई, फिर इसमें मैंने डाला 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी इसको अच्छे से मैंने हाथ से नहीं फ्राई किया, मिक्स किया, चम्मच से ही मिक्स करके इसको रख दिया कम से कम 2 घंटे के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब, वेलकम हो गया आपका फ्रेंडशिप ऑफिशियल ब्लॉग में। अभी एक वीडियो मैं शूट कर रही थी जिसमें बना रही थी मैं चिकन का सालन, कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे में मेरे जो मन में आया मैं वैसे बना रही, कुछ किसी रेसिपी वगैरह मैंने कुछ नहीं है देखा बिखा नहीं है। मेरे को ऐसा लगा कि ऐसे बनाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास था चिकन 1.5 किलो, आधा किलो से थोड़ा कम था, तो मैंने बोला कुछ करते, तो उसके लिए मैंने आप लोग को दिखाया जैसा मैंने मसाला लगा के एक घंटा रखा था मैंने, कम से कम मैंने 6 बजे रखा ना, अभी 9 बज रहे, मतलब मैंने 2 घंटा मसाला लगा के रखा। अभी मैंने देखो क्या क्या किया आप लोग को दिखा दी बैक कैमरे से। तो इसमें मैंने कांदा, टमाटर और थोड़े से काजू डाल दिए, उसको अच्छे से फ्राई करूँगी। तो इसको फ्राई करूँगी ना तो इसमें क्या कच्चा पन है वो निकल जाएगा और साथ में अच्छा कलर आएगा, जल्दी से फ्राई होगा। और साथ में मैंने यहाँ पर चिकन को थोड़ा फ्राई करने के लिए रख दिया स्लो गैस पे, गैस मेरा स्लो ही है, स्लो गैस पे भी स्लो किया था मैंने, अभी जस्ट फास्ट किया, जैसे एक साइड में फ्राई होते फिर उसको मैं पलट दूँगी, फिर जब तक मसाला मेरा रेडी हो जाएगा। और जब मैं पीसूँगी तो इसमें एक ये डाल दूँगी कोथिंबीर डाल के मिक्सर में ग्राइंड करूँगी, और मैं एक आलू भी डालूँगी जो मुझे पसंद है आलू खाना। तो चलो जैसे बारिश होता है इसको पेस्ट करके फिर आप लोग खाते। तो देखो अच्छे से मिक्सर में मसाला अच्छे से ग्राइंड हो गया, अभी गैस करती हूँ मैं ऑन। तो ये भी एक बार मैंने पलट लिया है, ये सेकेंड टाइम चल रहा है, और एक बार पलट के दैट्स इट मैं बंद करूँगी। जैसे ऑयल गर्म होता है खड़े मसाले डाल के मैं आप लोग को दिखाती हूँ। खड़े मसाले में जो हम लोग डालते हैं लौंग, काली मिरी, दालचीनी, तेजपत्ता, सब मसाले डालो और थोड़ा हींग डाल के फ्राई करके देने, इसके बाद ये मसाला डाल देना। तो मैं जैसे ही सब डालूँगी वैसे आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इसमें सब खड़े मसाले डाल दिए हैं, खड़े मसाले भी अच्छे से गर्म हो गए। अभी हम लोग डालेंगे इसमें ये जो पिसा हुआ मसाला, इसमें मैंने कोथिंबीर डाल दी थी, देखो ऐसे कलर आया है। तो देखो मेरा मसाला भी अच्छे से फ्राई हो गया, तेल ये बाद में से छूटने लगा है अभी पूरे मसाले का, चिकन भी मेरे अच्छे से फ्राई हो गया, मैंने गैस कर दिया ऑफ। अभी मसाले जैसे अच्छे से फ्राई होते इसमें डालेंगे हम लोग हमारे काली मिर्ची का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, देन धनिया जीरा और लाल मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डाल के हम लोग इसमें डाल के फ्राई करेंगे। तो कलर आने तक पकाएंगे, उसके बाद देन हम लोग इसमें डाल देंगे हमारा पका हुआ चिकन। आलू मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि आलू डालू नहीं डालू कन्फ्यूज़न में हूँ, तो मैं आलू नहीं डालूँ, चलो क्योंकि इनको आलू पसंद नहीं है ना, तो नहीं डालूँगी मैं। तो मैंने अभी इसमें सब मसाले डाल दिए, अब इसको स्लो गैस करके अच्छे से पकाऊंगी मसालों में से जब तक ऑयल नहीं निकलता, फिर उसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें चिकन। तो चलो जैसे पकता वैसे मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें से ना मैंने चिकन इसमें खाली कर दिया, मैंने ना वीडियो बनाना ही भूल गई। देखो माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है ना चिकन का सालन। अब इसको अच्छे से भी गोश्त को पका नहीं है ना, ये गोश्त मतलब मैंने फ्राई किया है ना ऑलमोस्ट 50% तो पक गया, अभी नमक वगैरह मैंने अभी ऊपर से डाला है, अभी स्लो गैस करके इसको मैं और पकाऊंगी जब तक ये गोश्त अच्छे से सॉफ्ट होता नहीं है। और ये मुझे पत्ते आते ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बीच में, इसके लिए मैं डालती नहीं ज़्यादातर। पर आज मसाला कुछ स्पेशल बना रही, चिकन का नाम तो मुझे कुछ क्या है मुझे पता नहीं है, अपने मर्जी से मैंने बनाया, जो बनाया वो बनाया, इसका नाम क्या है रखूँ क्या नहीं, चिकन स्पेशल बाय अफरीन रेसिपी ऐसे रखूँगी कुछ, मतलब मेरा दिमाग में कुछ बैठा नहीं था, जो दिखा वो मैंने वैसे वैसे बना लिया, पर अभी खाने के बाद पता चलेगा कैसे बनाया मैंने। तो मुझे देख के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह बना भी अच्छा ही होगा। तो चलो पूरा पकने के बाद फिर आप लोग को दिखाते, पूरा पकेगा तभी हम लोग डालेंगे इसमें थोड़ा सा चिकन का मसाला
देन उसके बाद डालेंगे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। कोथिंबीर तो मैंने ऑलरेडी डाल चुकी है तो मैं नहीं डालूंगी। अभी तवे में मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा था, अब ये पानी इसमें डाल दूंगी। तो चलो मिलती हूँ आपको जैसे पकेगा तभी। और इससे बनाने के लिए मेरे बर्तन देखो कितने गिर गए, तो ये बर्तन भी मुझे घसना है। तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़े टाइम बाद। तो माशाल्लाह ये सालन पक्के हो गया रेडी। देखो कितना अच्छा कलर आया है, कितना अच्छा दिख रहा है। इसके साथ खाना है तंदूरी रोटी। अभी मेरे को मन कर रहा है इसके साथ तंदूरी खाने को। रोटी मैं बनाने वाली थी रोटी, पर नहीं, इतना अच्छा सालन दिख रहा है तो इसको तंदूरी रोटी के साथ ही खाया जाएगा। तो अभी इसको मैं रखती हूँ ऐसे ढाक के। जैसे ये आते अभी से फ़ोन करती हूँ कि तंदूरी रोटी लेके आना, हम लोग खाएंगे ना, कुछ मच्छर विच्छर घूमेगा, इसके लिए ढक के रखती हूँ, तो बाद में लेके खाने आता है। चलो अभी खाना बन के हो गया रेडी, बंद करते हैं खिड़की। तो चलो सालन भी बन गया, जैसे ही आते दिखाती हूँ आपको क्या क्या लेके आते हैं। मुझे लगी है भूख सालन को देख के। चलो मिलती हूँ मैं जब आएंगे, तब क्या क्या लेके आएंगे मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये आने के बाद तंदूरी रोटी वगैरह लेके आए थे, बच्चा हुआ गुलाब जामुन मैं खा रही थी। फिर ये वीडियो मैं यहीं पर करती हूँ खत्म। मिलती हूँ आपको कल के एक नए ब्लॉग में।